हेलो दोस्तों, न्यू वीडियो में आप लोग बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास होंडा कंपनी बाइक आई है, ड्रीम 110 CC। दोस्तों, जैसा कि हमारे पास ये बाइक आई है, इसमें साइड स्टैंड जो कि टूट गया है, इसको हम नया चेंज करेंगे। साइड स्टैंड को लगाएंगे, चेंज करने से पहले इसको 17 नंबर बोल्ट खोलना पड़ेगा, स्टैंड का बोल्ट जो कि होता है, इसमें 17 नंबर रिंच लगता है खोलने के लिए। इसको हम खोल रहे हैं, स्टैंड बोल्ट, स्टैंड बोल्ट को ऐसे ही खोलें। दोस्तों, ऐसे ही बोल्ट को खोलना है, जब भी 17 नंबर इंच द्वारा स्टैंड बोल्ट साइड स्टैंड लगाने के लिए स्टैंड को ऐसे ही चेंज करें। दोस्तों, बोल्ट खोल चुका है, 17 नंबर बोल्ट हमने खोल दिया है। देखिए, हमारे पास नया स्टैंड है, इसको हम लगाएंगे, ऐसे लगाना है। आज हम दिखाएं दोस्तों, वीडियो को जरूर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, देखिए हमारे पास स्टैंड, ये होंडा कंपनी का स्टैंड है, ये इसमें दूसरा स्टैंड नहीं लग पाएगा। देखिए, स्टैंड के साथ स्प्रिंग भी होती है, जब भी ये स्टैंड लें तो ज़रूर से उसमें ये ध्यान दें, स्प्रिंग ज़रूर से चेक कर लें स्टैंड लेते समय। ऐसे स्टैंड को फिट करना है, दोस्तों देखिए, पीछे का भी नट लगाना पड़ेगा, जो स्टैंड बोल्ट होता है उसमें पीछे नट भी लगाना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि नट लगे रहने से स्टैंड आपका ढीला नहीं होगा, बाइक का स्टैंड बोल्ट बाहर नहीं निकलेगा, स्टैंड टाइट हो चुका है। अब इसके बाद हम स्प्रिंग लगाएंगे, स्प्रिंग लगाते समय आपको ये ज़रूर करना है, नहीं तो स्प्रिंग निकल जाता है बाहर। स्प्रिंग को हल्का ये दाब लेना है, पिचकस से सहारे द्वारा स्प्रिंग को लगाएं, स्टैंड स्प्रिंग ऐसे ही फंसाएं। दोस्तों देखिए, हमने स्टैंड स्प्रिंग लगा दिया है, साइड स्टैंड स्प्रिंग। ऐसे ही होंडा बाइक का साइड स्टैंड स्प्रिंग फिट करें,